हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर। तो इस टाइम मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ, होक्शुले मागडेबर्ग स्टैंडल में। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे माय फर्स्ट 60 डेज एक्सपीरियंस इन जर्मनी या फर्स्ट 2 मंथ्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने एक 10 डेज वाली वीडियो भी बनाई थी और एक 1 मंथ वाली भी बनाई थी। तो उन दोनों वीडियोज़ में जो मैंने बातें कही थी वो मैं आज बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगा, इसीलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। कभी आप सोचो कि यार सेम बातें मैं रिपीट करूँगा, वो चीज़ नहीं होएंगी बिल्कुल भी। नई बातें बताऊँगा, नया एक्सपीरियंस जो मेरे को और गेन हुआ है यहाँ पे, वो वाली चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। भाई सबसे पहले बात करते हैं मंथली एक्सपेंसेस की, क्योंकि ये वाले पॉइंट मैंने पिछली वीडियोस में थोड़ा बहुत कवर किया था, उतना डीपली नहीं किया था। डीपली आज भी उतना नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बननी है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मंथली एक्सपेंसेस का ये सीन है, आप जिस भी सिटी में आ रहे हो ना, तो आपको उस हिसाब से अपना मंथली एक्सपेंसेस मान के चलना है। मैं जैसे मैगडीबर्ग में हूँ तो मैं एक आपको अपना आइडिया दे देता हूँ मेरा कितना लगता है, एंड फिर आप उसके बेसिस पे अपना आइडिया लगा सकते हो। अब आप अपना आइडिया लगाओगे कैसे, उसका भी एक मैं आपको पॉइंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आप आ रहे हो बर्लिन में या फ्रैंकफर्ट में या मनहाइम में, कोई भी ऐसी जो भी रैंडम जर्मन सिटी या टाउन है वहाँ पे आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेंट देखने के लिए वहाँ पे कितना रेंट है। आपको वेगे गिसुक्ट एक ऐप है, आप वेगे गिसुक्ट ऐप पे सर्च करो। अदरवाइज आप फेसबुक पे ग्रुप सर्च करो कि फेसबुक अकोमोडेशन ग्रुप, जैसे मैगडीबर्ग का फेसबुक अकोमोडेशन ग्रुप मैगडीबर्ग कुछ ऐसे करके, तो आप वो सर्च करो एंड वहाँ पे ना आप प्राइस चेक करो रेंट का। ऐसे ही मतलब अगर आपने अपनी रिसर्च अभी शुरू करी है, आपको वीज़ा आ चुका है, तो आप अपना शुरू कर दो अभी के टाइम पे, तो आप चेक करो आपका कितना आइडिया आपको लग जाएगा कि कितना रेंट लगता है वहाँ पे। मेरा यहाँ पे मैगडीबर्ग में मेरा एक्सपेंस जो है रेंट का वो है 300 सिर्फ रेंट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर हीटिंग सब है, शेयर्ड अपार्टमेंट है मेरा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वन रूम अपार्टमेंट महंगा होता है, शेयर्ड अपार्टमेंट सस्ता होता है। तो मेरा 300 है इसी हिसाब से, उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा वाईफाई का है एंड बाकी चीज़ और रेडियो बिल 5 यूरो का मेरा, क्योंकि 3 रूम है तो 18 यूरो होता है, तो 5 5 5 ऐसे मतलब 6 6 6 करके हम वो डिवाइड करके पे करते हैं। ये हो गया रेंट का। उसके बाद जो सबसे मेजर खर्चा होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस का 120 यूरो का होता है, आपका टीके का किसका भी 117 120 यूरो का होता है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला खर्चा हो गया आपका। फिर थर्ड खर्चा आपका आता है ग्रोसरी वाला। ग्रोसरी में देखो यार, यूजुअली मेरी 2 महीने मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, तो 200 250 इतने के अराउंड मेरी एवरेज लग रही है। आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं तो कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि आपने कई बार फ्रेंड्स के खा लिया, फ्रेंड्स ने आपके घर खा लिया, तो वो वाली चीज़ें होती रहती हैं। तो वो आपको एक आइडिया लेके चलना है 200 या 300 के बीच में, क्योंकि देखो ग्रोसरी का ऐसी चीज़ है, आप जर्मनी में कहीं भी रहते हो खर्चा सेम ही आएगा। तो अब जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ आप वो आइडिया भी रख सकते हो। उसके बाद आपका सिम का बिल होता है, 10 15 यूरो सिम का आपका जो खर्चा होता है वो होता है। तो बेसिकली सारा 300 प्लस 120 मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्लस मेरा 200 250 ग्रोसरीज और 10 15 यूरो ऐसे, तो मैक्सिमम 620 हो रहे हैं, 650 के आसपास हो रहे हैं। 700 आप मान के चलो मेरा खर्चा यहाँ पे 700 का हो रहा है मैगडीबर्ग में। अब इसमें आपको आइडिया अपना कैसे बनाना है, आपको अपनी सिटी देखनी है, आपका रेंट का ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज जो बाकी खर्चे आपके सेम ही होंगे। तो आप ऐसे मंथली एक्सपेंसेस का अपना आइडिया लगा सकते हो आपका कितना खर्चा लगेगा। गाइस अगला पॉइंट है स्टडीज़ या एजुकेशन, या आप कुछ भी बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी स्टडीज़। इसमें देखो यार, जर्मनी में मेरे को अब 2 महीने हो चुके हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हो चुके हैं। वीडियो में थोड़ी लेट बना रहा हूँ, बट अभी जून चल रहा है, मैं मार्च में आया था, तो अप्रैल में 2 महीने मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, अब जून है, सिर्फ जून जून में मेरी क्लासेस रह रही हैं, जुलाई में मेरे एग्जाम्स हैं। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, सिर्फ 3 से 3.5 महीने का यहाँ पे एक सेमेस्टर होता है क्लासेस वाला, उसके बाद आपका 15 20 दिन 1 महीना आपके एग्जाम्स चलते हैं, और मेरे जुलाई में या अगस्त मिड तक मेरे एग्जाम्स हैं, फिर अगस्त मतलब 8 या 10 अगस्त तक मेरे एग्जाम्स हैं। तो अब देख लो अगस्त पूरा और सितंबर पूरा मैं खाली हूँ, सेमेस्टर ब्रेक होता है। तो ये चीज़ का आपको मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे ना पढ़ाई ऐसे ख़त्म हो जाती है, मतलब पता भी नहीं लगता। जो लेक्चर्स होते हैं इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, कोर्स लोड कम होता है, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे पेपर निकालना या सेमेस्टर क्लियर करना अगर आप पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए आपको टाइम से आना जर्मनी में। ठीक है, टाइम से आने का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको अपने वीज़ा में जो ट्रैवल डेट होती है कम से कम 15 दिन पहले की डालनी है क्लासेस शुरू होने से। इस हिसाब से आप जल्दी भी आ सकते हो एंड आप अपनी बहुत सारी चीज़ मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डे टू डे आते हैं, कई बार लेट भी आते हैं।
तो अगर आप लेट आओगे तो आप लेफ्ट आउट फील कर दोगे, अगर आप पहले आओगे तो आपको सारी चीज़ों का पता रहेगा, क्लासेस आप टाइम से लोगे, आप सेमेस्टर टाइम से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप अपना जो फ्री जो आपका अगस्त या सितंबर में जो एक डेढ़ महीने आपको मिलते हैं आप उसमें जॉब्स भी कर सकते हो या आप इंटर्नशिप्स वगैरह भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज पार्ट टाइम जॉब्स। अब यार पार्ट टाइम जॉब्स अगर आपको करनी है यहाँ पे तो आप गारंटी से कह रहा हूँ मैं, आप शुरुआत के एक महीने में आप कर ही नहीं सकते अगर आप चाहते भी हो तो। इवन दो आपको अगर आपको लैंग्वेज भी आती है ना तब भी आप शुरू नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम लग जाता है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का, जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने बना रखी है वो वीडियो आपको देखनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आने से पहले दिन से ही अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू कर देना है, क्योंकि इवन दो अगर आपको लैंग्वेज भी आती होगी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका आपके पास टैक्स आईडी होनी चाहिए, टैक्स आईडी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर टैक्स आईडी नहीं है तो आपको वो जॉब पे नहीं रखेंगे, आपके पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बिना भी आपको वो जॉब नहीं करने देंगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक से दो महीने आपको ऐसा माइंडसेट बना के आना कि यार एक से दो महीने में खर्चा तो मेरे को ब्लॉक अकाउंट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह के भी जॉब नहीं कर सकते। हाँ अगर आपके फ्रेंड्स हैं और वो हैं उन्होंने आपके लिए पहले से ढूंढ के रखी हुई है जॉब, या आपको बाय चांस मिल गई है, फिर भी आपको एक महीना तो मैं कहता हूँ लॉक इन पीरियड आपका रहेगा, आपको यार अपने डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करनी है पहले, उनके बिना आप नहीं कर सकते अप्लाई जॉब्स के लिए, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक से दो महीने का आपको माइंड सेट बना के आना कि मैं थर्ड या फोर्थ मंथ से ही जॉब शुरू कर सकता हूँ। गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का अगर पॉइंट मैं कवर नहीं करूंगा ना तो मैं अन्याय कर रहा हूँ ये वीडियो बना के आप लोगों के लिए, पिछली दो वीडियोस में भी करा था, आज वाली मैं भी करूंगा, आज की वीडियो में नई बातें बताऊंगा, नई बातें मैं ये बताऊंगा। यार देखो लैंग्वेज आपको सीख के क्यों आनी है रीज़न ही दे सकता हूँ मैं आपको यार, कि आपको मैं बताऊँ इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आपकी मास्टर्स या बैचलर्स करने आए हो आप, ठीक है, अगर आप और आप जर्मन सीख के नहीं आए हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका बढ़िया आपसे आप यहाँ पे आ भी जाओगे जर्मनी में, आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लोगे, अगर आपको लैंग्वेज सीखने का बिल्कुल मन नहीं है मत सीखो, आपका पूरा गुजारा हो जाएगा, आपके खर्चे वगैरह आप शॉपिंग वगैरह सब कर लोगे। अब बात आती है आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोस्टली जॉब्स में जर्मन मांगते हैं, ऑब्वियसली आपको ये बात पता है, नई बात क्या बता रहा हूँ, नई बात ये बता रहा हूँ मैं, जब आपकी एजुकेशन ख़त्म होती है ना तो सबसे पहले तो आपका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होता है, स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होता है आपका आता है वर्क वीज़ा, वर्क वीज़ा आपको मिलता है 18 महीने का, 18 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब ढूंढनी है, अब वो जॉब ढूंढनी है जॉब कैसे मिलेगी, जर्मन आनी चाहिए, जर्मन आपको आती नहीं है। दूसरी चीज़ ये है आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो भी आपका स्टूडेंट वाला ख़त्म हो जाता है, एंड फिर आपका वो पूरा जो प्रॉपर वाला लोगों का होता है वो वाला हेल्थ इंश्योरेंस आपको अमाउंट पे करना होता है, एंड उसका खर्चा ज़्यादा होता है, वो खर्चा आप ज़्यादा पे कैसे करोगे, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लिए लैंग्वेज चाहिए। तो एक एडिशन में मैंने आपको आज एक बात बताई है कि लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है यार, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी जर्मन टॉट में लैंग्वेज मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जर्मनी में अपना फ्यूचर देख रहे हो, फ्यूचर इन द सेंस 20 साल 50 साल नहीं कह रहा, 5 साल भी अगर आप देख रहे हो, 2 साल मेरे को पढ़ाई करनी है मास्टर की या बैचलर की, 3 साल उसके बाद अगर आपको 1 साल भी आपने सोचा कि जॉब करनी है जर्मनी में, वर्स्ट केस सिनेरियो उसके लिए भी आपको जर्मन चाहिए, तो जर्मन जितनी आप ज़्यादा इंडिया से सीख के आओगे उतना बेटर है। मैं क्या कहूँगा A2 या B1 आप सीख के आओ, क्योंकि अगर आप A2 B1 सीख के आओगे तो आप यहाँ पे आके शुरुआत के 6 महीने आप A2 B1 का अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है, लोगों से बात करके सीख के अपनी A2 B1 आप पक्की कर लो, एंड फिर आप यहाँ से अगर आपके पास पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, या आप कहीं से भी अब अपनी बाकी की B2 या C1 आप वहाँ से सीख लो, क्योंकि जॉब्स के लिए मिनिमम C1 मांगती हैं, ठीक है? तो इतनी इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की, मैं मतलब बता बता के थक गया हूँ, मैं आगे की जो वीडियोज़ बनाऊंगा मैं उनमें भी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, बट मैं उसमें कोई नए पॉइंट्स के साथ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सेम बातें बार बार बताना मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये बात थी आज की वीडियो में, मेरे को लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आपको बतानी थी, तो लैंग्वेज आप जितना जल्दी आप शुरू करोगे सीखना उतना आपके लिए बेटर है। तो गाइज जो लास्ट पॉइंट है वो है कल्चर, कल्चर इन द सेंस मेरे को कमेंट मैंने पढ़े थे यूट्यूब पे भी और चैनल्स पे भी जहाँ पे मैं पहले वीडियो देखता था, तो वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि क्या नाम है रेसिज्म की बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत इन द सेंस रेसिज्म होता है स्टूडेंट्स के साथ जो बाहरी कंट्रीज से आते हैं एंड जो बेसिकली जो एशियन कंट्रीज से आते हैं। तो यार देखो मैं ईस्ट जर्मनी में रह रहा हूँ, ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट होता था, तो ये वाला थोड़ा वेस्ट जर्मनी से थोड़ा सा अभी उतना अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभी आपको, उतना यहाँ पे मेरे को अभी तक एक बार भी रेसिज्म का कुछ भी ऐसा मेरे को होपफुली नहीं हुआ है मेरा सामना, एंड आई होप फ्यूचर में भी ना हो। मैं आपको बताता हूँ यार ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है यहाँ पे कि आपको मतलब बिल्कुल ही ऐसा फील होगा यहाँ पे आके कि यार कहाँ पे आगे,
ऑब्वियसली अगर आपको लैंग्वेज आती है तो उसका बेनिफिट है, मेरे को इतनी लैंग्वेज नहीं आती है तो वो वाली मैं जो पॉसिबिलिटी है वो वाइप आउट कर दो। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपके साथ होगा, आपको अपने काम से मतलब रखना यार, आपको अपनी शॉपिंग करनी है वैसे करनी है, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, पढ़ने आओ, पढ़ाई करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी रेसिज्म का। मेरे को तो अभी तक कुछ भी फील नहीं हुआ, मेरे दोस्तों को मैं दूर दूर तक जिनको भी जानता हूँ किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ एक आधा इंस्टेंस हो जाता है यार, बहुत सैड है वो, बट आपको ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देनी है, आपको बस अपना जो आपका गोल है पढ़ाई करने का वही सोच के आना है। अब उसका रीज़न यार देखो, उसका कल्चर का आप उसका कैंसिल कल्चर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो यार, यहाँ पे ना बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा है, अब बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये हमें बुला रहे हैं यहाँ पे, मतलब इमिग्रेंट्स को यहाँ पे जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है ही नहीं। अब जहाँ पे जो ओल्डर जनरेशन होती है, ये तो हम इंडिया में भी कहते हैं कि जनरेशन गैप होता है, तो जनरेशनल गैप है थोड़ा सा, इनको इंटरनेशनलिज्म उतनी पसंद नहीं है, जो ओल्ड लोग होते हैं उनको तो यार यही कहते हैं कि बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं हमारे कंट्रीज में, बट जो यंगर जनरेशन है उनके भी, उनके साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, वो फ्रेंड्स भी बनते हैं, मेरे भी जर्मन फ्रेंड्स हैं एक दो बन चुके हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको मतलब पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं में मैं नहीं घुसना है, नेगेटिव वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखनी है और अपना मस्त से रहना है। आप गाइस ये एल्बे रिवर है, पीछे जो थोड़ा सा पानी मैंने आपको दिखाया था वो इसी का ही पार्ट है, बट वो कम है वहाँ पे पानी। ये प्रॉपर जो एल्बे रिवर है, मैकडेबर्ग को कहते हैं, एल्बे रिवर के किनारे मैकडेबर्ग है, तो ये आप देख लो ये वही वाला ब्रिज है, इस साइड उस साइड ट्रैम वाला है, मैं पैदल आ रहा हूँ अभी, तो ये है भाई एल्बे रिवर, देखो ये बहुत पीछे से आती है ऊपर से मतलब जर्मनी में, एंड ये उस तरफ बह रही है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, काम की बातें आपने सीखी होगी, हवा चल रही है तो आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आवाज़ कितनी क्लियर जा रही है, आ रही होगी आपके पास साफ आवाज़, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है मुझसे पूछो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, आज भी बस मेरे मुँह से निकल गया अभी, इसलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और ऐसे प्यार बनाते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।